Assalamu alaikum beautiful people, welcome back to my channel, welcome back to another video. आज का हम जो रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं वो है शील्ड बेबी ग्लास फीडर का, ग्लास फीडर नॉट द प्लास्टिक वन. सिलिकॉन प्रोटेक्टर के साथ है, ड्रिप फ्री है. 900 रुपीस की मैंने इसको बाई किया है, नॉर्मल स्टोर से बाई किया है. ये एक्चुअली है तो 6 मंथ्स के लिए, बट मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स की बेबी के लिए बाई किया है इसको, बिकॉज़ ये 4 आउंस का फीडर है. आप देख सकते हैं इसको मुझे यूज़ करते हुए 1 महीना होने वाला है. इसको मैं स्टरलाइज़ करती हूँ हर 3 से 4 दिन, या 2 से 3 दिन में कर लेती हूँ इसको मैं स्टरलाइज़. इट डिपेंड्स कि आपका फीडर, आपको अगर लगे कि नहीं मुझे 3 दिन में इसको स्टरलाइज़ करना चाहिए, आप 3 दिन में कर लें, 1 दिन में करना चाहिए 1 दिन में कर लें, 2 दिन में लगता है 2 दिन में कर लें, इट्स अप टू यू. 4 आउंस का फीडर है ये. इससे पहले मैंने एक फीडर बाई किया था, 2 आउंस का किया था, दो आउंस के किए थे, बट वो फिजिबल नहीं रहा मेरे लिए, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं रहा, बिकॉज एक ख़त्म हो जाता फिर दूसरी बनाओ. तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझे रिकमेंड लगा कि मैं इसको बाई करती हूँ. 4 आउंस का फीडर है ये, शील्ड वालों का है. पहले 4 साल पहले तक शील्ड वालों का ग्लास फैब्रिक में नहीं आया था, ग्लास मटेरियल में नहीं आया था फीडर, बट अब अवेलेबल है. एक ड्रॉबैक मुझे जो इसमें लगा था वो ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने 2 मंथ्स के बेबी के लिए बाई किया था, तो इसका जो निपल का सुराख था वो काफ़ी ज़्यादा था, बड़ा था, तो मैंने इसको चेंज किया है निपल को, और वही ग्लास फीडर मैंने लगाया है. वो भी मैं आपको शो कर दूँगी कि मैंने कौन से वाले, वो भी ग्लास था, वो मैंने बच्चा पार्टी से बाई किया था, उसका भी ग्लास फीडर था, बट उसका निपल का साइज़ थोड़ा सा छोटा था, उसके सुराख थोड़ा सा छोटा था, वो छोटे बेबी के लिए था. अच्छा जी, आप इसमें देख सकते हैं BPA फ्री है, 110% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी चीज़ है. 120 ml है, 4 आउंस है, 900 रुपीज़ की फीडर है. 1 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी लगी है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. आप देख सकते हैं बोतल के मुख्तलिफ हिस्सों और निपल को साबुन के गर्म पानी में शील्ड क्लीनिंग ब्रश से साफ़ करें और अच्छी तरह खंगालें. मैं जब भी फीडर बनाती हूँ तो इसको ब्रश से साफ़ करती हूँ, और स्टरलाइज जो है वो मैं 2 दिन में करती हूँ. बोतल के सारे हिस्सों को स्टरलाइज़र से स्टरलाइज़ करें या गर्म पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के लिए उबालें, क्योंकि शीशे की फीडर है तो आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं कर सकते. और कोशिश ये करें ऑल द टाइम अपने निपल को कवर रखें, फीडर के निपल को कवर रखें, बोतल को सूरज की रोशनी से दूर रखें. और आप ये देख सकते हैं, अच्छा चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं ख़ुद फीडर पिलाती हूँ. जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो उसके लिए आप बिल्कुल उसको पकड़ा सकते हैं, लेकिन एज़ यू नो कि इतना सा बच्चा तो ख़ुद पकड़ नहीं सकता, तो मैं पकड़ के इसको पिलाती हूँ, तो मुझे इस हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती. और इसमें ये पार्ट इन्होंने बड़ा अच्छा दिया हुआ है, प्लास्टिक का वो कवरिंग के लिए लगाया हुआ है, तो हमें पूरी बॉटल कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक हिस्सा. अगर आप बाहर जाएं तो आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं बॉक्स पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है इसकी. हाईली रिकमेंडेड फीडर है, क्योंकि हमारी जो लोकल फीडर्स आती हैं उनके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लीक कर जाती हैं साइड में से. जो हमारी प्लास्टिक फीडर्स आती हैं, चाहे वो शील्ड की हो या किसी भी कंपनी की हो, वो साइड में से लीक कर जाती है और वो सारा दूध जो है गिर जाता है, वेस्टेज हो जाता है. तो इट्स बेटर भी कि आप एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट कर लें. 900 रुपीज़ की जो मैंने छोटी वाली फीडर बच्चा पार्टी से ली थी, वो 500 रुपीज़ की ईच थी, तो मुझे 1000 की वो 2 पड़ी, वो मेरी मिस्टेक थी, बिकॉज छोटी फीडर किसी काम की नहीं है. वो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद बच्चा फिर उसका भूख बढ़ता है, तो आप कितनी बार 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 फीडर बनाओगे. इट्स बेटर भी कि आप एक दफ़ा ही ले लो. छोटे बच्चे के लिए भी अगर आप ले रहे हो तो आप बड़ी ही फीडर लो, ये न्यू मॉमीज़ के लिए हैं, बड़ी ही फीडर लो ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपके लिए परेशानी ना हो. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग समझ आया होगा, व्लॉग पसंद आया होगा. आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे जो भी इसके हवाले से क्यूरीज़ हैं, बिकॉज़ जो अभी जो न्यू मॉमीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, मुझे उम्मीद है. जिन चीज़ों से हम गो थ्रू कर रहे हैं, जिन चीज़ों से हम गो थ्रू कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हमने अपने पैसे वेस्ट करके हासिल किया है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रह जाएगा आप लोग का इंशाल्लाह ताला. उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और इंशाल्लाह ताला मैं और भी रिव्यूज़ आप लोग के लिए शेयर करती रहूँगी। जज़ाकअल्लाह खैर।